हेलो फ्रेंड्स, एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस अनोखे प्रोग्राम में जिसका नाम है ऑनलाइन एनएलपी वर्कशॉप। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत दिनों से लोगों की रिक्वेस्ट थी, सभी लोग चाह रहे थे कि सर हम लोग नहीं आ पाते हैं आपकी वर्कशॉप तक, कुछ इस तरह से कीजिए कि ताकि हम लोग उस आपकी जितने हम लोगों ने देखी हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं हम लोग यूट्यूब पे, बहुत लोगों से सुनते हैं कि आप लोगों की ये जो है एक मैजिकल वर्कशॉप होती है, तो सर कुछ ऐसा कीजिए कि ताकि हम लोग भी इसका इंजॉय कर पाएँ। मैं बहुत आज खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने ये कोर्स को जो है वो ऑनलाइन डेवलप कर लिया है और ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लर्निंग्स के ऊपर पूरा ये कोर्स बेस्ड है। हम किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने अच्छे हेल्थ को, अपने अच्छे रिलेशंस को, अपने फाइनेंस को, अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। दिस इज़ द पावर ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और इसी के ऊपर मेरा आज का ये आप लोगों के साथ जो है ये वर्कशॉप रहेगा जिसका नाम है ऑनलाइन एनएलपी वर्कशॉप रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। एक बार थोड़ा सा एक बार जस्ट ग्लिम्स देख लेते कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें हम कवर करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा हमारी जो बीमारियां हैं वो कैसे बनती हैं और कैसे हम उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ कि हर घर में आज मैंने देखा है कि कोई ना कोई मेडिसिन ज़रूर खा रहे हैं, आप सोचिए जरा अगर ये कलाएँ अगर आप लोग एक बार सीख लेते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड से आप हील करना सीख जाते हैं चीज़ों को, तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाएंगे, अपने बच्चों की हेल्प कर पाएंगे, प्लस अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज किस तरह से जो भी हमारी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज होती है जिसकी वजह से आपका प्रेजेंस आज भी रुका होता है, आप हमेशा परेशान रहते हैं, आंखों से आंसू, किसी ने धोखा दे दिया, कहीं एक्सीडेंट देख लिया, किसी ने अब्यूज़ किया है, घर में पहले चोरी हो गई, ऐसे बहुत सारे आपके पास्ट की पेनफुल मेमोरीज होती हैं जो आज भी आपको परेशान कर रही होती है। कई बार बच्चे भी नहीं बोल पाते हैं, कहीं गलत तरीके से उनको छुआ गया है, कई बार उनको धमकाया जाता है, कई बार एग्जाम्स का फियर बहुत ज़्यादा होता है। हटाइए इन सब पास्ट की पेनफुल मेमोरी को, ये सब हम लोग सीखेंगे इस वर्कशॉप के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैसे हम लोग अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। स्टेट को चेंज करने का मतलब सिर्फ इतना सा समझिए कि हमेशा हम लोग कहते हैं अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं सर, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, कैसे हम लोग अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। विश्वास कीजिए सिर्फ एकमात्र एक टूल है, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हमेशा अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीख के आप अपने माइंड को यानी अपने नेगेटिव माइंड को अपने पॉजिटिव माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ एक शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस। जब इन कलाओं को मैंने सीखा तो मैंने 15 दिन के अंदर अपनी डिस्कवर द पावर ऑफ अफर्मेशंस को मैंने लिखा था बुक को, जो कि अमेजोन की बेस्ट सेलर थी। सिर्फ यही कला थी कि आप सीख लीजिए कि नेगेटिव माइंड को यानी नेगेटिव जो आपके थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव जो आपकी स्टेट है, उसको हम पॉजिटिव कैसे करेंगे, आप लोग खुद अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। और अगले 15 दिन बाद मैंने अपनी उस स्टेट को गेन करने के बाद दूसरी बुक्स वॉक विद अ ग्रैटिट्यूड और आइकॉनिक पेरेंटिंग जैसी बुक को मैंने लिखा था। ये आज बहुत ही मशहूर और बहुत ही चर्चित बुक्स में से एक आती है। कैसे हम अपने बच्चों का या स्पेशली अपना खुद का हम कैसे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब आप लोग जाते हैं अपने ऑफिस के अंदर, आपने देखा होगा कई बार क्रेडिट कोई और ले जाता है बिकॉज ऑफ ओनली कॉन्फिडेंस। हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से या कोई और बहाने की वजह से, हम सेकेंडरी पे ऑफ की वजह से हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं कर पाते। अभी मेरी आई स्टिल रिमेंबर अभी काउंसलिंग में एक लेडी आई थी, उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो बहुत जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाती थी जैसे ही किसी को दिखती थी कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्टेट नेवर डाइज इन योर माइंड, हमेशा ध्यान रखिएगा उसी स्टेट को कैसे रिगेन करना है। दिस इज द पार्ट आप सीखेंगे इसके अंदर, कॉन्फिडेंस के अंदर। अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर स्टेज फोबिया है, आप नहीं चढ़ पाते हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों को सिखाऊंगा इस वर्कशॉप के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर नेगेटिव बिलीफ, कैसे हम अपने नेगेटिव बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आप लोगों का। नेगेटिव बिलीफ का मतलब होता है, मैं नोसिबो बिलीफ भी कहता हूँ। नोसिबो बिलीफ का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास हेल्थ को लेकर बहुत ही आप लोगों ने नेगेटिव बिलीफ रखे हों, डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती, दमा दम के साथ जाएगा, कैंसर लाइलाज बीमारी है, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता, चावल खाने से मोटापा आ जाता है, ये सारे आपके बिलीव्स आपको हमेशा पीछे लेके जाएंगे। और ये बिलीफ हटने बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा ये बिलीफ कैसे भी आपका हेल्प नहीं कर रहे हैं। किस तरह से इन बिलीफ को चेंज करेंगे ये हम लोग इस वर्कशॉप में सीखेंगे। और इतना ही नहीं कि अपने बहुत सारे रियल बिलीफ हमने नेगेटिव बिलीफ रिश्तों को भी बना रखे होते हैं। रिश्तों के लिए कैसे बनाए होते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा सब फ़ायदा उठाते हैं, हर वक्त मैं देखता हूँ तो हर कोई मेरे से सिर्फ तभी बात करता है जब काम होता है, मुझे सब अब्यूज़ करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं समझते हैं, मेरी ज़िंदगी के अंदर मैं उन्हीं लोगों के साथ रहता हूँ जो लोग नेगेटिव हैं, और इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ हमेशा नेगेटिव बिलीफ, और आप अट्रैक्ट भी ऐसे लोगों को करते हैं। कैसे इनको चेंज किया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की वर्कशॉप में आप लोग सीखेंगे इसके अंदर।
थर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है वो रहता है हमारे पैसों को लेके, जो हमारे नेगेटिव बिलीफ रह जाते हैं, पैसा तो आ ही नहीं सकता है लाइफ के अंदर, पैसा क्या पेड़ पे होगा, होता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। इस तरह के अफर्मेशन, इस तरह के थॉट्स हमारे पास होते हैं, इस तरह के बिलीफ हमारे पास होते हैं कि हम नहीं कमा सकते हैं। और पैसे को लेके तो ऐसे भी बिलीव्स हमारे बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, और यही कारण होता है कि हम हमेशा अपनी लाइफ में नीचे आते हैं। अभी एक व्यक्ति को मैं देख रहा था बहुत अच्छे से, जब मैंने पूछा उससे कि आप नारियल पानी बेचते हो, कितना आप कमा लेते हो, उसने बताया 500 से 600 रुपये। और मैंने कहा अगर आप मानो, इमेजिन करो कि अगर आप 5 से 6 हज़ार रुपये पर डे कमाएंगे, तो उसने सबसे पहला आंसर पता क्या दिया मुझे, हो ही नहीं सकता। अब ऐसे बिलीव को लेके सोचिए, अगर मनी आए भी तो मनी कैसे आएगा, ब्लॉकेजेस तो पहले ही आपकी आ चुकी है। यहाँ ये बहुत ज़रूरी था, इवन बच्चों के भी अपने नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, आई ऑलवेज सेज बच्चों के होते हैं कि मैं पढ़ाई करके मुझे क्या मिलेगा, मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट्स है, अगर मैं पढ़ लिया तो भी क्या मिलेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे लाइफ के अंदर बढ़ने के लिए आगे कुछ नहीं मिलेगा, मेरा मुझे लगता है मैं आगे पास भी नहीं हो सकता हूँ। ये सब नेगेटिव बिलीव्स, अगर बच्चा पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, उसके अपने इनर सेल्फ इमेज इतनी डिस्टॉर्ट होती है कि वो गलत बिहेवियर में लग जाता है, गोल्स नहीं होते हैं बच्चों के पास, फ्यूचर नहीं होता है, पेरेंट्स को खुद नहीं पता होता, जहां भीड़ चल रही होती है वहां पे अपने बच्चों को लगा देते हैं, और उस वजह से उनके बहुत सारे इस नेगेटिव बिलीफ की वजह से लाइफ के अंदर बहुत सारे इश्यूज आते हैं। विश्वास कीजिएगा, मैं इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के अंदर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आपका कोई भी फोबिया आप हटा सकते हैं। फोबिया का मतलब ये है कि अगर आपको लिफ्ट से फोबिया है, हाइट से फोबिया है, अगर आपको फोबिया होता है छिपकली का, स्पाइडर का, ये सारे फोबिया आप हटा सकते हैं। ये सब मैं इसमें टेक्निक्स दे रहा हूँ। अपनी एंजाइटी को आप कैसे हटा सकते हैं, हार्डली मैटर आप कितने साल पुरानी आपकी एंजाइटी हो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये रामबाण होंगी आप लोगों के लिए जब आप लोग इसे यूज़ करेंगे इन टेक्निक्स को। इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इसके अंदर कि जो भी आपके बिहेवियरल इश्यूज हैं उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। लाइक आपको गुस्सा बहुत आता है अगर, तो गुस्से के अपने बिहेवियरल इश्यूज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर एग्जांपल तौर पर आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत रहती है, प्रोकास्टिनेट करते हो चीज़ों को, कल पे टालते हो, कैसे इन बिहेवियर्स को आप लोग चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल मैंने इसमें टेक्निक्स दे रखी हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन टेक्निक्स को यूज़ करके अपने जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इतना ही नहीं, आप किस तरह से अपनी इनर सेल्फ इमेज को अच्छा करेंगे, क्योंकि अगर मान के चलिए मैं अंदर से, अगर मेरे अंदर इनर सेल्फ इमेज एक गरीब आदमी की है, आप मुझे कितने भी पैसे दे दें तो क्या लगता है मैं उस पैसे को एंजॉय कर पाऊंगा, मैं हमेशा कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करूंगा कि वो पैसे बर्बाद करूं। बहुत अच्छा जिम रॉन ने कहा है कि इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बिकम अ बिलियनर है तो अपनी जो इमेज है उसको ठीक कर लीजिएगा। इमेज का मतलब इनर सेल्फ इमेज की बात कर रहा हूँ। किसी ने आके अगर 1,00,000 रुपये दे भी दिए और अंदर एक गरीब आदमी बैठा हुआ है, तो वो प्लेजर का काम करेंगे या फिर पेन का काम करेंगे, जरा सोच लीजिए आपको। तो इनर सेल्फ इमेज हम कैसे अपनी अच्छी करेंगे, अगर अंदर ही पेशेंट बैठा हुआ है तो हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। सो ये सब इनर इमेज के अंदर मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ये टेक्निक्स आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। हर चैप्टर के साथ मैंने एक्सरसाइज यानी अपनी गाइडेड एक्सरसाइज दे रखी है, जो भी मैं बोलूंगा आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। हम लोग सीखेंगे ऑफ कोर्स हमारा लाइफ पर्पस क्या है, मिशन क्या है हमारा इस अर्थ पे आने का, ये पूरी मैंने बकायदा उसको आप लोगों को सिखाया है, और आप लोग खुद भी इस एक्सरसाइज को करके आप लोग एकदम बोलेंगे मज़ा आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज आप लोग जनरली जितनी बार आप करते हैं उतनी बार आपके न्यूरॉन्स आपका हेल्प करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप पूछेंगे सर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास मेमोरी नहीं होती, मेमोरी के लिए उसको स्पेस मिलता है, और उस स्पेस को स्टोर करने के लिए बेसिकली उस डाटा जो हम लोग इन्फॉर्मेशन बचपन से पैदा हुए हैं इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें 80 बिलियन न्यूरॉन मिलते हैं, और एक न्यूरॉन की जो कैपेसिटी होती है वो 82 GB की होती है। ये सारा का सारा पूरा डिटेल्स आप लोगों के अंदर दिया हुआ है मैंने चैप्टर्स के अंदर, कि कैसे हम लोगों का माइंड परसीव करता है, ये सारे चैप्टर्स के अंदर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये डिवाइन जो मैं आप लोगों के साथ मैजिकल मैं इसको बोलूँगा ब्लेस्ड वर्कशॉप बोलूँगा, अगर आप एक बार इसको पूरी तरह से शुरू से लास्ट तक हर चैप्टर वाइज मैंने दिए हुए हैं इसके डिविजन्स के अंदर, मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है, अगर आपने पूरा प्रॉपरली इसे ठीक से देख लिया तो मेरा कंसर्न है आप लोग अपने रिश्तों को, स्पेशली अपने पैसे को और अपनी हेल्थ को अच्छा कर पाएंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस अनोखी वर्कशॉप में जिसका नाम है ऑनलाइन NLP रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस अनोखे प्रोग्राम में, शुरू करते हैं।